अगाथा क्रिस्टी जे के रोलिंग स्टीफन किंग जॉर्ज ऑरवेल ये सारे स्यूडोनिम्स हैं आखिर क्यों ऑथर्स स्यूडोनिम्स यूज़ करते हैं बजाय अपने रियल नेम के तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल रीज़न इज़ हमारी सोसाइटी प्रिडोमिनेटली पहले से ही मेल डोमिनेटेड रही है इस पेट्रियारकल सोसाइटी में अगर किसी फीमेल को एक बुक पब्लिश करनी होती थी देन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बजाय यूज़ करने के एक स्यूडोनिम तो वो एक स्यूडोनिम यूज़ करती है और उसके थ्रू अपनी बुक पब्लिश कराती लेकिन रीज़न इज़ ऑल्सो ऑन दि सेम लाइन्स अगर किसी मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल में से कोई ऑथर निकला है एंड उसे अपनी बुक पब्लिश करनी है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते थे कि उसे पता था मैं बुक पब्लिश करूँगा बेस्ड ऑन माय रिलीजन बेस्ड ऑन माय रेस बेस्ड ऑन माय कलर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे सो इट्स बेटर टू यूज़ अ स्यूडोनिम तीसरा रीज़न थोड़ा पर्सनल हो जाता है कई सारे ऑथर्स को ऐसा लगता है कहीं मेरी बुक सिर्फ मेरे स्यूडोनिम के ऊपर तो नहीं बिकरी वॉट अबाउट माई टैलेंट इवन स्टीफन किंग ने एक बुक रिलीज करी थी पब्लिश करी थी नेम्ड बाई थिनर जो उनका रियल नेम है रिचर्ड बैकमैन के नाम से बट उसकी काफ़ी कम सेल्स हुई थी बट आफ्टर रिवीलिंग दैट इट वॉज पब्लिश बाई स्टीफन किंग एंड स्टीफन किंग ही रिचर्ड बैकमैन है उसकी सेल्स हो गई थी टेन टाइम्स फोर्थ रीज़न काफ़ी सारे ऑथर्स को ऐसा लगता है कि कहीं मेरी बुक फेल ना हो जाए सो इन फियर ऑफ दैट फेलियर कई सारे ऑथर्स सीडोनिम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक जॉर्ज ऑरवेल जॉर्ज ऑरवेल को लगता था कि मेरी बुक्स अच्छा नहीं करेंगी मे बी तो मैं इससे अच्छा सीडोनिम यूज़ कर लेता हूँ कमिंग टू द मॉडर्न एज जो आजकल के जो मेल ऑथर्स हैं वो लोग उल्टा कर रहे हैं अब वो लोग ऐसा नाम रखते हैं जो कि न्यूट्रल हो बिकॉज़ प्रिडामेंटली जो बुक बाइंग स्ट्रेंथ है फीमेल्स की ज़्यादा है सो दैट्स वाई वो एक न्यूट्रल नाम रखते हैं ताकि मिस्ट्री फैक्टर रहे और उनकी बुक सेल पे कोई इशू ना आए सो कैसा लगा आपको ये ट्रिविया कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड आपको अगर कोई सीडोनेम यूज़ करना हो आपकी बुक के लिए तो आप कौन सा सीडोनीम यूज़ करेंगे